शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जहां दो प्यार करने वाले लोग एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं और फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। लेकिन हजारीबाग में एक जोड़े ने शादी के इस पवित्र बंधन को ही शर्मसार कर दिया। यहां पर शादी के 7 दिन के बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। मामला हजारीबाग के चपरख गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक चपरख गांव निवासी कुलेश्वर महतो की पुत्री की शादी पद्मा के बंदरबेला निवासी के साथ 7 दिन पहले पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई थी। लेकिन शादी के 7 दिन के बाद दुल्हन ने अपने प्रेमी को ससुराल बुला लिया। इधर प्रेमी भी फिल्मी स्टाइल से प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन इसी दौरान ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया। बाद में दोनों ओर से जमकर हंगामा हुआ, जहां पर प्रेमी ने चौंकाने वाली बात कही। प्रेमी ने बताया कि वो पिछले 8 साल से उससे प्रेम करता है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। इधर नवविवाहिता भी प्रेमी के साथ ही रहने पर अड़ी रही, जिसके बाद ससुराल वालों का गुस्सा और अधिक परवान चढ़ गया। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। इधर थाने में भी दोनों के बीच घंटों ड्रामा चलता रहा। इसी बीच पुलिस ने दोनों से परिजनों को दोनों को ही सुपुर्द कर दिया और कहा कि आप न्यायालय से तलाक लिखवाकर लड़की के मुताबिक जिससे लड़की चाहे उससे विवाह करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तलाक लेना होगा। भाग चुकी थी, उसके बाद मैंने दोनों को पकड़ के रखा मेरे पैरेंट, उसके बाद प्रशासन को बुला के दोनों को सौंप दिया गया। उसके बाद दोनों पैरेंट लड़का और उसका प्रेमिका दोनों को पैरेंट्स को बुला के अपने दोनों को जमानत दे दिया गया है। लड़की के माता पिता को बुलाया गया था ना, लड़की का बयान लिया गया तो लड़की ने कहा कि मैं जो है अपने पूर्व प्रेमी के साथ ही रहना पसंद करूंगी। ऐसी स्थिति में चूंकि लड़की 18 वर्ष से ऊपर उम्र की थी तो उनके माता पिता को जो है वर्तमान में जिम्मेनामा पे दिया गया है लड़की को, और निर्देश दिया गया है कि आप जो है लीगल रूप से अभी जो विवाहित है उस पति से तलाक लेकर उस प्रेमी से शादी। लड़की इधर से भाग चुकी थी, उसके बाद मैंने दोनों को पकड़ के रखा मेरे। देखिए शादी के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी हुई और शादी के 7 दिनों बाद ही नवविवाहिता ने अपने प्रेमी को ससुराल ही बुला लिया और दोनों की यही जिद है कि दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे में पुलिस तक यह मामला पहुंचा, वहां भी घंटों ड्रामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के अभिभावकों को बुलाया, जिम्मेनामा लिखवाया और कहा कि अब तलाक लेकर ही दूसरी शादी या लड़की जिसके साथ रहना चाहती है उससे वो शादी कर सकती है। हजारीबाग से सहयोगी फलक इस मामले पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। फलक, बहुत ही हैरान करने वाली ये खबर है। लड़की को शादी जब मंजूर नहीं थी तो फिर शादी क्या घर वालों की जोर जबरदस्ती में की गई? 7 दिन बाद ही उसने अपने प्रेमी को बुलाया और अब उसके साथ रहने की जिद पर अड़ी है। जी देखिए आशिया, जिस तरीके का यह मामला आया है, मेरे अनुसार यह हजारीबाग में इस तरीके का पहला मामला हमने देखा है कि इस तरीके से नाटकीय ढंग से जो है यह पूरा मामला देखने को मिला है। और आपको बता दें कि जो प्रेमिका है उसके अनुसार वो 8 साल से उस अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला उसके साथ चल रहा था, इसी बीच घर वालों ने उसकी शादी करवाई। और देखिये एक पिता और एक माता जो कितने खुशी से अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे गाँव में जो इस तरह का चर्चा हुआ है तो कहीं ना कहीं लड़की के माता पिता के लिए एक जो शर्म की बात भी हो गई है। और उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके का मामला जो हुआ है, पुलिस भी इस मामले में बीच बचाव में आई कि मामला को जो है वो सटाया जाए, लेकिन यह मामला पेचीदा होता गया और आखिरकार वो जो लड़की है उसने सबके सामने यह इकरार कर लिया कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। फिलहाल क्या मामला वैसे निपट पाया? ससुराल वाले क्या इसके लिए राजी हुए? क्या दोनों अब तलाक लेंगे जो पति पत्नी है और फिर बाद में लड़की अपनी दूसरी शादी करेगी? जी तो वही जो मामला है वो अब न्यायालय जाएगा और वहां से जो तलाक लिखवा कर लड़की के अनुसार जो है वो पूरा मामला होगा। लेकिन देखिए लड़की के तरफ से अगर जो बात है वो साफ लफ्जों में यही कहा गया कि वो प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे चलिए फलक से लगता हमारा जी बता दो फलक आवाज मिल पा रही है आपको?
चलो, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से फलक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल अब दोनों को परिजनों को हवाले कर दिया गया है, और उसके बाद अब लड़की को अगर अपने प्रेमी के साथ रहना है तो वो पहले न्यायालय जाएगी, तलाक लेगी, उसके बाद ही दूसरी शादी होगी। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में ये पूरी घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 7 दिन के बाद ही लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती है, वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। अब इस घटना के बाद परिजन भी काफी परेशान हैं।